डियर फ्रेंड्स, मेरे पापा, मैं एक बार फिर से रिपीट वीडियो बना रही हूँ। मेरे पापा काशीराम हॉस्पिटल में आज एक्सपायर कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब काशीराम हॉस्पिटल में डॉक्टर पीयूष मिश्रा के अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे दो भाई पॉजिटिव है। सीएमओ साहब ने कल हमें इन्फॉर्म किया था कि उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडन उनको डेथ डिक्लेयर कर दिया। हम मानते हैं कि इसके रेस्पिरेटरी अटैक एकदम से आते हैं, हम हर चीज एक्सेप्ट करने के लिए, और तो और हमने बाहर से मेडिकेशन प्रोवाइड किया अपने पापा के लिए। लेकिन हुआ क्या कि आज हमारे पास एक बचपन में फोन आता है, बोलता है योर फादर इज डेड, व्हाई दे आर नॉट इन्फॉर्मिंग मी बिफोर एंड बिफोर। ऐसा इन्होंने किया कैसे? हाउ दे डू दिस? आई वॉन्ट टू टेक एक्शन फ्रॉम द सीएम आदित्य योगीनाथ, एंड आई वॉन्ट टू टेक एक्शन, आई वॉन्ट जस्टिफिकेशन फ्रॉम द सीएमओ ऑफिस, फ्रॉम कानपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड From all judiciary, this is totally illegal. We provide external medication and everything. I am not worried about my father. मुझे मेरे पापा की चिंता नहीं है। जो आदमी आया है वो जाएगा, मैं सब मान रही हूँ। लेकिन सब कुछ लेने के बाद जो पेशेंट अंदर मौत के मुंह में है, मुझे उनकी चिंता है। So please friend, support me. Please support me. This is totally wrong. बहुत गलत किया है लोगों ने, हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते रहे और रॉन्ग, और मुझे हमें बोल रहे हैं रिजेंसी ले जाओ। रिजेंसी कहाँ से ले जाएं? 50 लाख रुपए रख के हम लोग रिजेंसी ले जाएं अपने बाप को? हाँ, 50 लाख रुपए रिजेंसी ले जाएं। ये हमारी फीलिंग से खेला। और अब मेरी माँ पॉजिटिव है, मेरे दोनों भाई पॉजिटिव है, उनको बचाने की जिम्मेदारी इस उत्तर प्रदेश सरकार की है। और तो और डेड बॉडी तक हमें नहीं दे रहे हैं, डेड बॉडी नहीं दे रहे हमें। प्लीज हेल्प मी, यूपी गवर्नमेंट हेल्प मी, प्लीज सेंटर गवर्नमेंट हेल्प मी, दिस इज टोटली इलीगल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।